पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जन सहयोग से आयोजित किए जा रहे अंकुर अभियान के तहत नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय परिसर रीवा में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी, एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव, कलेक्टर मनोज, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, स्पीकर नगर निगम वेंकटेश पांडे, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा सहित विद्यालय के छात्र छात्राओं, गणमान्य नागरिकों तथा पत्रकारों ने वृक्षारोपण किया। अंकुर अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में नेत्रहीन महाविद्यालय के छात्रों ने स्वागत गीत एवं मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति दी। पौधारोपण कार्यक्रम में अधिकारियों ने तिरंगा अभियान की जागरूकता के उद्देश्य से हस्ताक्षर अभियान में अपनी सहभागिता निभाई। कमिश्नर, एडीजीपी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं आयुक्त नगर निगम ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए बनाए गए सेल्फी पॉइंट में फोटो भी खिंचवाए हैं। उल्लेखनीय है कि संभाग में 10 अगस्त को अंकुर महाअभियान में पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों तथा आमजन ने वृक्षारोपण कर महाअभियान में अपनी सहभागिता निभाई। इस दौरान अधीक्षण यंत्री नगर निगम शैलेन्द्र शुक्ला, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, कार्यपालन यंत्री एपी शुक्ला, पार्षदगण एवं महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।